हाय गाइस, मैं पवन सैनी। देखिए, आज हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं TGT मैथ के लिए, और जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वाणिज्य गणित, उससे रिलेटिव तो वीडियो है मेरी, और वीडियो है कार्य और समय से रिलेटिव। तो वीडियो ही बहुत अच्छी बनाई है मैंने आपके लिए, और लास्ट तक देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने दो तीन प्रकार बताए हैं कार्य और समय के लिए, तो आप उन्हें देखेंगे क्या हैं हमारे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कार्य और समय की। टाइप वन चलते हैं। टाइप फर्स्ट कहता है, यदि ए किसी कार्य को एक्स दिन एवं बी उसी कार्य को वाई दिन में पूरा करता है, तब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा टाइप फर्स्ट है। तो देखिए, यहाँ जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आता है कि ए किसी कार्य को एक्स दिन में करता है, बी उस कार्य को वाई दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे, तो देखिए सीधा आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक जो रहेगी कि ए और जो बी का जो कार्य है, वो हमारा जो रहने वाला है, यानी एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ट्रिक है आपकी कि ए और बी का जो कार्य है, यानी पहले आप ए के दिन और बी के दिन की मल्टीप्लाई करें और अपॉन में रख दें आप दोनों का जोड़। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, यदि ए किसी काम को दस दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, लिखने में आपका समय लग रहा है, तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, तो देखिए यहाँ आपकी जो ट्रिक रहने वाली है, तो देखिए ये ए का जो कार्य है, ये हमारा एक्स वाला हो गया, बी का कार्य जो हो गया दिन में, ये वाई हो गया, और इसने मांगा है दोनों का कार्य। तो देखिए, हमने ट्रिक बताई थी कि ए प्लस बी का जो कार्य होगा वो आपका एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो वही करेंगे प्रक्रिया हम। एक्स के स्थान पर आपका देखिए 10 गुणा वाई के स्थान पर है आपका 15, और बटे में है दोनों का जोड़, तो 10 प्लस 15। तो देखिए यहाँ 10 गुणा 15 और ये आपका 25 हो जाएगा। तो देखिए, इसे 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25 और 5 थिया 15, और 5 से फिर इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, तो आपका मतलब 2 गुणा 3 बराबर 6 दिन, यानी 6 डेज में ये दोनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। तो चलिए हम सेकंड टाइप बात कर लेते हैं, और सेकंड टाइप देखेंगे, वो भी बहुत आसान है। देखेंगे सेकंड टाइप। तो देखिए, यहाँ
टाइप टू देखते हैं। टाइप सेकंड आपका क्या रहता है, तो देखिए यहाँ है यदि ए व बी किसी काम को एक्स दिन में कमा तथा ए अकेला इसी कार्य को वाई दिन में पूरा करता है, तब बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये हमारा सेकंड टाइप है। तो देखिए यहाँ पहला जो टाइप था उसमें क्या था कि ए और बी के जो कार्य थे दोनों अलग अलग थे एक्स और वाई दिन में, लेकिन यहाँ क्या है कि ए और बी दोनों कंबाइन कर रहे हैं एक्स दिन में, ए अकेला कर रहा है उसको वाई दिन में, तो और बी का अकेले का कार्य पूछा है। तो देखिए यहाँ आपकी ट्रिक रहने वाली है, इसके लिए ट्रिक जो रहेगी कि बी का कार्य जो रहेगा बराबर, तो पहले क्या करना है आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एक्स गुणा वाई बटे बी, यानी ए वाले कार्य में से आप दोनों का कार्य घटा देंगे वाई माइनस एक्स। फिर दोबारा समझ लेंगे कि ए और बी का जो कार्य है और जो ए का अकेला कार्य है दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाले कार्य में से दोनों का कार्य घटा देंगे। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। सवाल आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन है एक आदमी किसी काम को पांच दिन में पूरा करता है, पांच दिन में पूरा करता है, वह बेटे की सहायता से उसे तीन दिन में पूरा कर लेता है, तो बेटे के द्वारा किया गया कार्य बताइए, किया गया कार्य बताइए, ये हमसे पूछा है। तो देखिए यह क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी किसी काम को पाँच दिन में पूरा कर रहा है और जब वो बेटे का सहारा लेता है तो वो उस काम को तीन दिन में पूरा कर देता है, और हमसे पूछा है कि बेटे ने कार्य कितने दिन किया अकेले ने। तो देखिए यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बेटे का जो कार्य होगा, बेटे का कार्य हमने बताया था पहले आपके आदमी और बेटे दोनों के जो कार्य हैं उनकी गुणा करते हैं, तो यहाँ देखिए पाँच और ये वाला पोर्शन आपका तीन, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पाँच गुणा तीन, यानी पहले था आपका एक्स वाई तो दोनों कर दिया, फिर था आपका वाई माइनस एक्स, तो वाई के स्थान पर आपका पाँच है और एक्स के स्थान पर तीन, तो यहाँ रख देंगे पाँच माइनस तीन, तो इसे कर लेंगे पंद्रह बटे दो, दो से काट देंगे, दो सत्ते चौदह एक बचा और ये आपका दो, यानी सात सही एक बटे दो डेज़,